दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत असताना एक मोठी घोषणा केली. येत्या 2 दिवसांमध्ये केजरीवाल मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार आहेत आणि त्यामुळे आता दिल्लीचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार आहे याकडे लक्ष लागलंय. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे आणि त्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन नवी खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. तसंच महाराष्ट्रासोबत दिल्लीच्याही निवडणुका घेण्याचं केजरीवालांनी केंद्राला आव्हान दिलंय. आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं. और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे. मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा. फरवरी में चुनाव है. आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.